अभी आप सुन रहे हैं अपना इस्लाम की शानदार प्रस्तुति। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितने लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा के बोलिए फजा में लहराते हुए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए आप और इको डाल दीजिए और आवाज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। सीधे सीधे नातिया कलाम का मतलब पेश करता हूं, मुलायजा फरमाए कि वो शेरे मुहब्बत शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, वही घर बनाने को जी चाहता है, वो सोने से कंकड़ वो सोने से कंकड़ वो चांदी से मिट्टी वो सोने से कंकड़ वो चांदी से मिट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, नजर में बसाने को जी चाहता है कि जिहादे से अपनी कगान जला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर हो इजाजत अगर हो तो जामे शहादत इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है, वो सोने से कंकड़ वो चांदी से मिट्टी वो सोने से कंकड़ वो चांदी से मिट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को ज़हन में रखें और ये शेर समाअत करें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पे पूरा घर बार सब कुछ जो है लुटा दिया। पेश करता हूँ मुलायजा फरमाए इरशाद के जो पूछा नबी ने के कुछ घर है छोड़ा तो सिद्दीक अकबर पे आया के सिद्दीक अकबर के होठों पे आया वहाँ माल दौलत वहाँ माल दौलत कि क्या है हकीकत जहाँ जा लुटाने जी चाहता है, वो सोने से कंकड़ वो चांदी से मिट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को दो टुकड़े कर दिया। पेश करता हूँ, चांद भी गवाह है। मुलाहिजा फरमाए इरशाद के सितारों से ये चांद कहता है हर दम तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़े का आलम तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़े का आलम इशारे में आता
اشارے میں آتا کہ اتنا مزا تھا اشارے میں آتا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Apna Islamic.